का है मेरा ये डिस्कॉर्ड। शेर सोच लो, यहाँ पे इसको भी बुला लो कमिंग गेम। तो चलो यहाँ पे जब तक इन लोग की तरफ से रिप्लाई आता है तब तक के तुम लोग को थोड़ा सी बता दूं मैं। वेबसाइट में अपनी है स्केड्यूल, नया इवेंट चल रहा है। यहाँ पे स्केड्यूल में जो है तुम लोग अपना मैच स्केड्यूल चालू कर सकते हो। मैच कब होगा भाई? विद इन 5 मिनट जो है मैच चालू कर रहा हूँ भाई, खाली बस थोड़ा सी रैंक लिस्ट मैं भी देख लूँ। हाँ भाई कैसा है? गाइस फर्स्ट पे जो है हमारी आई डोंट नो फर्स्ट टीम हु रीच हजी इज बैक। नो ब्रो आई डिडंट, आई डोंट नो फर्स्ट टीम जिसने की अभी तक हैवी वेट टच की है। और फिर और यहाँ पे टीम्स के मैसेजेस आ रहे कमिंग, जब तक थोड़ा सी मजे कर ले हम। और यहाँ गाइस बता दो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसी लग रही है, थोड़ा सी कमेंट दे दो। बैकग्राउंड म्यूजिक पे ऑफ हो गई है। क्या मतलब ऑफ हो गई भाई? या ब्रो देर। यहाँ पे कस्टम लॉबी नेटवर्क वगैरह। स्ट्रीम रॉबर है ना? कम ब्रो गम कम 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 कम। वेर इज एनी मी सो लोनली हार्ट नहीं थे। यहाँ पे ये कौन सी टीम मेरे? अच्छा हाँ DSL आ गई। मियाँ भाई की तरफ से भी रिप्लाई, ओके आई एम कमिंग इन अ मिनट। मियाँ भाई का रिप्लाई आया है लेकिन मियाँ भाई नहीं आए। मियाँ भाई की पब्लिक दिख रही नहीं है। टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो आज? यप बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा ब्रो। एक सेकेंड रे, तो फिर चेक करना पड़ेगा मेरे को भी। डिस्कॉर्ड मेरा अवेलेबल था, अरे मेरे को तो आ रही है बैकग्राउंड म्यूजिक क्यू के लिए। शायद स्लो होगी वॉल्यूम, थोड़ा सी बढ़ा के देखता हूँ। देखो यहाँ पे गाने चल रहे हैं। अभी आई क्या ब्रो? आ जा वेट करता हूँ तेरा। अभी भी नहीं आ रही।
सियरा आ रहा क्या रेफरी में भाई, तो बता जल्दी। मोल टोटल आ गया। आवाज नहीं आ रही क्या मोल? सॉन्ग की भाई नो चीटिंग भाई, मतलब क्या है भाई नो चीटिंग से? एक मिनट। हाँ अभी आई क्या भाई आवाज? अभी चेक करो, अभी कोई बता दो, अभी अगर आ रही होगी तो। अभी चेक कर, वैम्प ऑफिशियल हजी कैंसर या ब्रो आई एम कैंसर। सॉन्ग की आवाज आ रही तो कोई बताओ यार जल्दी जल्दी। अभी आई। चलो ब्रो एक सेकंड, मैं खाली बस बिजी बोर्ड लगा यहाँ पे। रिपीट हाँ चलो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट स्टार्ट द गेम। सो यहाँ पे है MVB वर्सेस DSL। ब्रोकन NVII जो है DSL की तरफ से खेलेंगे। MYB मियाँ भाई के कैप्टन और उनकी मतलब उनकी तरफ से खेलेंगे उन सियरा। दोनों टीममेट्स है, दोनों खेलते हैं, अच्छा गेम प्ले है दोनों का। मियाँ फर्स्ट पिक मियाँ जो कि VII ने लिया है। ब्रोकन की कपल है VII, मेरे को सुनाई मैंने दे दी याद आवाज अभी सॉन्ग की। गुशन शायद लेस्ली ले गए सियरा यहाँ पे, क्योंकि ले दोनों कपल है इसके लिए लेस्ली में मजा आएगी। गुशन लेस्ली वर्सेस अलोकार्ड मिया, और यहाँ पे पुशिंग के लिए बोलेंगे कि सियरा पुशिंग। सियरा बोले कि मैं पुशिंग के लिए जाऊँगी, तू हाइपर के लिए जा। लेकिन सिंगल लेन है हाइलोस एंड मिया। खुफरा ज़्यादा बेटर रहता, ले मियाँ जो है मियाँ के सामने माशा। माशा जो है डायरेक्टली फिजिकल अटैक लॉक करके इजीली एक टाइम पे किल कर सकता है मियाँ को। लेकिन मियाँ अपनी अल्ट से जो है भाग सकती है 10 कदम दूर और फिर माशा को मार सकती है। के लिए कुलडाउन नाम की भी कुछ चीज़ होती है। और यहाँ पे इंडिया नंबर 8 मियाँ OP उनके सामने खेलेंगे मुंबई सिटी नंबर 7 गुशन। मजा आएगी देखने, अच्छा अच्छे कपल्स है दोनों, अच्छा खासा खेलते हैं, सब कुछ है देखने का है। लेकिन जीतता कौन है? नेक्स्ट मैच भी अच्छी धमाल वाली है। ZKS और इंडियन आइकॉनिक। सोचो तो यहाँ पे डायरेक्ट, अरे अरे हाँ ग्लिच नहीं हुआ, नहीं ग्लिच हो गया। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं उन लोग से पहले पहुँचा होगा मीट, ऑफ कोर्स है वो चीज़, मैं उन लोग से पहले ही पहुँच चुका मीट। मियाँ मीट में जो है सेकंड लेवल होके सोचे है कि मीट में सेकंड लेवल होके जाएंगे। ऑगुशन ने भी वही सेम तरकीब सोची है कि मीट में मैं सेकंड लेवल का हो जाऊंगा। लेकिन शायद माशा ने वो नहीं लिए होके रोम। मियाँ बफ पे जा चुके हैं बफिंग करते हुए मियाँ, और हाईलॉस जो है सेकंड लेवल का होने के लिए रेडी।
गुशन क्रीप मार रहे छोटा सी अपनी इस मूवमेंट स्पीड के लिए, मिया बफ मार रहे है हाइलॉस मिड में अकेले, सेकंड लेवल की होने की कोशिश, हाइलॉस सब में पहले सेकंड के हो गए है तो इसी बात पे अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। बफ पे गए है गुशन, शायद हाइलॉस जो है बोले कि मैं ट्राई करूँगा इन्वेट करने का, लेकिन गुशन ब्रोकन जीतेगा। ओपी ओपी ब्रो, फास्ट फास्ट लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कमेंट तो कर दिए हो, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, ठोक दो फटफट लाइक। मिया खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान दे रहे, उसकी दूसरी तरफ थोड़ा सी ब्रोकन की पिटाई कर दी है सियरा ने। गुशन और मिया दोनों खेती बाड़ी कर रहे हैं, बोल रहे कि हम लोग थोड़ा सी खेती बाड़ी करेंगे, हमारा खेत को आगे बढ़ाएंगे। मियाँ आ चुके हैं आगे, लेकिन लड़ाई नहीं होगी इतना जल्दी तो, क्योंकि अभी खेती बाड़ी का टाइम है। खेत उगाएंगे, फसल बनाएंगे, फिर उसके बाद लड़ने आएंगे। टर्टल आने वाला है शायद, टर्टल के ऊपर मियाँ डायरेक्टली जाएगी, मियाँ बॉट के ऊपर शायद गोल्ड क्रीप के लिए जा रही है, देखते हैं अगर उनकी तरफ से कुछ। लेकिन यहाँ पे पकड़ा जाएगा ब्रोकन को, ब्रोकन की तरफ से कॉल की नहीं भाई मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, आधी एच भी तो आधी एच भी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ब्रोकन की तरफ, ब्रोकन अभी जाके टटल की तरफ, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे दोनों है और ब्रोकन को पकड़ लिया गया है। ब्रोकन फुल स्पीड में भागते हुए, फर्स्ट ब्लड ब्रोकन के नाम। सियरा मियाँ भाई की तरफ से फर्स्ट ब्लड आ चुका है सियरा और गुशन, जो कि है हमारे रेक्स 10 फैजान या कुछ ऐसा नाम है बंदे का। और यहाँ पे टटल भी मारना शुरू कर दिए है, हाइलॉस ने उसका फ़ायदा उठा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे हाइलॉस के आए तक टटल ख़त्म हो जाएगा, सो फार्मिंग डिफरेंस आ गया होगा अच्छा वाला खासा वाला, 300 का फार्मिंग डिफरेंस आ गया है। वापस से जंगलिंग की तरफ बढ़ चुके हैं हमारी टीम मिया भाई और दोनों टीम साथ में। एक्चुअली शायद हाइलॉस को वापस से अपना ब्लड देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ले हाइलॉस की एचपी बहुत सारी रहती है यार, मरता नहीं है साला। लेट गेम हुआ थोड़ा सी, 15 मिनट का ही गेम है तो थोड़ा सी डिफिकल्ट गेम हो सकता है, 15 मिनट का ही है, लेकिन फिर भी 15 मिनट 2 vs 2 के लिए बहुत है। 15 मिनट बाद जिसके सब में ज़्यादा किल रहेगा उसको विन मिलेगा, किल अगर इक्वल रहते हैं तो शायद कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, गोल्ड डिफरेंस पे जाएगा, टावर्स पे जाएगा सबके ऊपर, फिर उसके बाद तहकीकात करनी पड़ेगी। गाइस अगर स्ट्रीम में कुछ इशू लगता है तो फटाक से मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को शायद इशू लग रहा है यहाँ पे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ इशू लगता है तो फटाक से मेरे को बता देना, तो मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया हो कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के फुल खेती बाड़ी चल रही है। मियाँ 7वें लेवल की हो चुकी है, गोल्ड डिफरेंस जो है चेस कर लिया है ब्लू टीम ने, एक किल देने के बाद भी जो है गोल्ड में आगे चल रही है ब्लू टीम, जो कि है हमारी DSL। इसका मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मियाँ की फार्मिंग से। मियाँ जो है हमारे गुशन से फास्ट फार्म कर पा रहे, इनडायरेक्टली इट मीन्स डेट ओनली, क्योंकि लिए फार्मिंग जो है हमारे हाइलॉस तो कर नहीं रहे हैं। शायद अभी टटल के लिए फाइट होगी। मिया रेडी है क्या? मिया आर यू रेडी फॉर अ फाइट? टटल के लिए फाइट होने के लिए चांसेस है, क्योंकि लिए दोनों टीम को चाहिए टटल। मिया ने जो है टटल मारना शुरू कर चुके हैं, हाइलॉस जो है छुपके से हाइलॉस उनको सपोर्ट दे रहे हैं। टटल में कुछ भी इशू नहीं होगा, मियाँ आराम से जो है टटल ले लेंगे, खबर भी नहीं होगी हमारे मियाँ भाई की टीम को। तो यहाँ पे एक टटल मियाँ भाई के हाथों। अरे गाइस ये ऐसा काहे को यार, मेरे इस पे क्यों नोटिफिकेशन आती है?
को नोटिफिकेशन नहीं होना। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा है ना ऑन लाइव स्ट्रीमिंग के साथ भी जो है मेरा इतना पिंग इतना हाई नहीं होना, फिर 122 पिंग रहता है हमेशा मेरा फिक्स पिंग। ज़रा भी डिस्काउंट नहीं देते सारे लोग ML वाले। तो चलो यहाँ पे शायद इन्वेडिंग के लिए जाएंगे भूषण, लेकिन इन्वेडिंग के लिए उनको कुछ भी मिलेगा नहीं क्योंकि लिए मियाँ कुछ छोड़ ही नहीं रही है। लेन संभालने की जिम्मेदारी हाईलॉस की, तो उसी के साथ साथ जंगलिंग करने की जिम्मेदारी हमारी मियाँ की, और मियाँ के पर शायद यहाँ पे दबाव रहेगा। 1-1 किल इसको जो है लेवल कर चुके हैं हमारी DSL की टीम ने, दोनों के 1-1 किल है। बिग फैन सर, थैंक यू सर, सर आई एम योर बिग फैन सर, प्लीज़ ऑटोग्राफ, प्लीज़ SM ब्रो, प्लीज़ ऑटोग्राफ। कैन यू जस्ट टीच मी हाउ टू स्ट्रीम ब्रो। और यहाँ पे शायद गुशन को पकड़ा जाएगा, लेकिन मियाँ जो है नेक्स्ट में ज्वाइन कर, ओके ब्रो डिस्कॉर्ड पे आ जाना नेक्स्ट मैच। लेकिन भाई डिस्कॉर्ड पे गाना चल रहे थे तो गाना डिस्टर्ब कर देगा। और यहाँ पे शायद मियाँ के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मियाँ की जो है लाइफ स्टिल OP रहती है यार, कुछ भी बोलो। और यहाँ पे 3-1 OP कमबैक जो है, एक किल दे दिए थे हमारी DSL की टीम ने स्टार्ट में हाई लॉस का, लेकिन उसके बाद जो है मियाँ ने फार्मिंग करते करते बहुत फार्मिंग कर ली, और इतनी फार्मिंग कर ली कि अभी कोई मान नहीं पा रहा। हाईलॉस का भी सपोर्ट अच्छा है दोनों की, टटल के ऊपर वापस से जाया जा रहा है यहाँ पे। और मिड में जो है टरेट पुश, यहाँ पे टटल पुश सब कुछ आ चुका है मियाँ के हाथ में। DSL की टीम ने कुछ चीज़ नहीं छोड़ी है उनके हाथों में। मियाँ 12वें लेवल की 9वें लेवल का गुशन, और यहाँ पे शायद गुशन को वापस से पकड़ा जाएगा। गुशन की यहाँ पे डेथ हो सकती है, गुशन बच नहीं, गुशन की डेथ उसके साथ नहीं, गुशन की नहीं यार, माशा की डेथ हो गई और गुशन बच के भागने में कामयाब। मियाँ के बाद टटल बफ है, अभी जो है लाइफ रीजन करेंगे रेड बफ से। मिड टरेट जो है पुश होने की संभावना, शायद गुशन को अंदर घुस के मारेंगे। और यहाँ पे गुशन अल्ट चला के उनके आ चुके हैं, लेकिन गुशन और गुशन ने ले चुके हैं मियाँ को, लेकिन गुशन को भी उनका किल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर तुम ब्रोकन की गर्लफ्रेंड को मार के जाओगे तो ब्रोकन जो है शांत बैठेगा, इसीलिए ब्रोकन ने बता दिया कि तुम हमारे कपल को मारो, हम तुमको मारेंगे। और यहाँ पे सियारा आ चुके हैं, सियारा फुल गुस्से में है, बोले कि तूने जो है मेरे कपल को मारा, अब मैं तेको नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे दोनों के बीच में मजबूत फाइट चलने की संभावना थी। सियारा बैक होकर हेल्थ बढ़ाने गए और थोड़ा सी लेंस क्लियर करने गए हैं। माशा है, माशा को शायद बफ कर दिया इसके, वो स्मफ कर दिया इसके लिए, थोड़ा सी इशू हो सकता है माशा को टरेट पुश करने में। टॉप लेन जो है पुश कर चुके हैं हमारी ब्लू टीम के मिनियंस ने, सो बिग शूट आउट फॉर मिनियंस टू, के उन लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे, पुशिंग के ऊपर फुल ध्यान दे रहे, अपनी जी जान लगा दे रहे हैं पुशिंग के लिए। जितनी जी जान हमारे मियाँ और हाईलॉस की तरफ से नहीं लग रही, उससे ज़्यादा मेरे को तो लग रहा है कि अपना मिनियंस लगाते हैं। नॉट इवन मियाँ और हाईलॉस, हर किसी से ज़्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं टर्रेट पुश करने में। और यहाँ पे शायद पकड़ा जाएगा मियाँ को, लेकिन मियाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी थी, उसके साथ साथ मियाँ जो थे हमारे टर्रेट के अंदर सेफ थे, इसके लिए जो है मियाँ को मार नहीं पाए हमारे कैप्टन साहिब, मियाँ भाई के कैप्टन ने। नेक्स्ट 10, और शायद यहाँ पे सियारा को भी पकड़ा जाएगा। सियारा ने जो है अपनी सेकेंड एबिलिटी प्रॉपर मियाँ के ऊपर चला दी, थोड़ा सी इशू हो सकता था, लेकिन मियाँ की लाइफ स्टिल बहुत ही बढ़िया थी। अभी शायद यहाँ पे गेम इससे ज़्यादा नहीं टिकेगा, गेम का समाप्ति यहाँ भी होने के चांसेस है, क्योंकि लिए गुस्सा आ चुके हैं, नहीं होगा इतना आसानी से तो समाप्त। लॉर्ड भी आ चुके हैं, और शायद गुस्सा को पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा गया गुस्सा को, लेकिन बिल दिखा ना के ब्रो, तो बिल मेरे पास नीचे से ऑप्शन मेरा गायब हो चुका है, तो यहाँ से देख लो थोड़ा सी बिल, पॉज करके देख लेना भाई, मैंने बिल ऊपर किया था। चलो मैच तो ख़त्म हो गई,
इंडिया नंबर 9 की मियाँ की बिल्डअप उन लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट टीम रेडी है क्या गाइस? सो यहाँ पे VII जो कि खेले थे मियाँ, इंडिया नंबर 8 मियाँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ शायद कभी कुछ काम आए। ओके NPBC और हाइलॉस ने लिया था, टफ बूट्स लिए थे उनने, थोड़ा सी डिफिकल्ट था मियाँ भाई के लिए। मियाँ भाई को अभी बोलना पड़ेगा कि भाई सॉरी बट यू हैव टू गो टू होम, मतलब अब आगे वैलेंटाइन में आप नहीं खेल सकेंगे। देन टू नेक्स्ट वैलेंटाइन में अपन लोग ट्राई करेंगे, मियाँ भाई जो है जीते के नेक्स्ट वैलेंटाइन में उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट मैच के कैप्टन इंडियन आइकॉनिक का लोनली हार्ट, और फिर उसके बाद अपना ZKS का, चलो तो ZKS के कैप्टन को कॉल करना पड़ेगा कस्टम में ड्राफ्ट पिक। मेरा सेग अनदर फोन नहीं है तो मेरे को जो करना है यही फोन से करना है। ओह वैम टैंक बिग सर्फ ब्रो, तो DS अहीर हमारे, और यहाँ पे ये भी आ गया मोल सॉर्टर आया, लेकिन वो अभी लॉबी में नहीं आ रहा, शायद रिजल्ट्स पे होगा। एकदम मैं मोल सॉल्ट को ही बोलता हूँ, हाँ ऐसे हमारा डिस्कॉर्ड मीटिंग वाले भाई, तुम लोग अकेला अकेला मचा मोल भाई, नेक्स्ट टीम को बुला लेना भाई। क्रूजी फिक्स ZKS का था ना, 0 किल स्कॉट का था, हाँ बरोबर, तो ZKS आ चुकी है हमारी। कहाँ भाग गया भाई तू, कहाँ भाग गया BC कैंसर डीजे। ऑफलाइन शो हो रहा है, सो यहाँ पे जीत चुके हैं हमारे ब्रोकन, खुशी मना रही होगी जो है हमारी DSL की टीम, न्यू टीम है। गुड लक ZKS क्रूसिफिक्स OP, आई विल कास्ट। तो चलो नेक्स्ट मैच सिर्फ हम शान बैठ जाएंगे, SM भैया बोल रहे हैं कि वो कास्ट कर, लेकिन नेक्स्ट मैच लाइव स्ट्रीम हमारी कास्टिंग SM भैया की, तो चलो SM भैया को उनकी ड्यूटी देके आ जाए। पहले SM भैया जी हमारे आ जाए लॉबी में, हाँ भाई तू आ तो पहले लॉबी में, तो फिर उसके बाद आता हूँ ना मैं लॉबी में, आता फिर डिस्कॉर्ड पे आता हूँ मैं। भाई लास्ट मैच ये रे, वैसे भी ये हार गया, लास्ट मैच, हाँ चलो SM भैया आ चुके हैं, तो SM किसके चैनल पे वो कर रहा है, भाई SM जो है शायद नहीं कर पाएगा कास्ट। ओके वेट, चलो यहाँ पे भाई इनवाइट कर रहा था, SM को बोलते इनवाइट करने मेरे को डिस्कॉर्ड पे जाने थे पहले, वरना फिर SM का लिया देगा दो है मेरे को।
भाई को तो अजीब सी आवाज आ रही है रे। फिर माइक से नहीं जा। पुपु कैसी आवाज आ रही रे? सो गाइस, हमारे डिस्कॉर्ड में डिस्कॉर्ड मैनेजर, हमारे यूट्यूब मैनेजर और हम गरीब लोग। भाई मैंने अपना डिस्कॉर्ड बंद कर दिया। सो डिस्कॉर्ड मैनेजर, यूट्यूब मैनेजर और हम गरीब लोग उनके साथ बैठे हैं डिस्कॉर्ड में। तो तीनों की तरफ से कमेंट्री होगी। डिस्कॉर्ड मैनेजर की तरफ से भी जो है हमारे मोल सॉर्टर भाई। हाय, हेलो बोल दो भाई पब्लिक को। भाई मोल, हेलो गाइस, हेलो। और वॉइस चेक कर, तुम लोग की वॉइस प्रॉपर जा रही क्या? किसी को पूछ लेना चैट में मेन गेम। डेब को भी बुला लेता। चलो आज सब लोग मिलके देखेंगे। स्ट्रीमिंग के लिए आ रहा। अंकल आंटी का मैच है, देखते हैं। अंकल माते, आंटी माते या कोई भात तीसरा बंदा ही लेके चल जाता। हम लोग इंडियन आइकॉनिक को भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि 12 बजे का मैच टाइमिंग था। मेरी गलती है कि मैंने थोड़ा सी जल्दी चालू कर दिया था मैच, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है। लॉल, अरे भाई तू आ तो जा। बाप को भी आवाज आना पड़ेगा। अरे कैसे तेरे माइक से कोई नॉइज आ रहा है? ऐसे में ऐसा पादा नहीं कह दे, अच्छी बात नहीं है भाई। तो यहाँ पे फार्ट हाउस का काम जो है एसएम ने ले लिया है, फार्टिंग कर रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं, अपने भाई की इज्जत की बात है। किसी ने सुना तो नहीं ना पब्लिक? क्या नाम है? अच्छा तूने भी मोल, तूने भी नहीं सुना ना? मोल सॉर्ट है, तूने भी नहीं सुना ना? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं नहीं सुना। किसी ने कुछ नहीं सुना? अरे नहीं रे, मेरा एक्चुअली कैसा बताया कि ना, ये वाले फोन में नेटवर्क सही नहीं है। अगर दूसरे फोन में कनेक्ट करूँगा तो फिर तो लो, सुना समझते ना क्या लग जाएगी। तेरी स्ट्रीम भी बार बार बफर हो रही है। भाई वो तुम लोग के नेटवर्क का इशू होगा भाई, स्ट्रीम बफर हो रही है। तो नहीं, ओप्पोस चेक कर कहाँ लेना है एक बार। बीसी भाई? ओप्पोस जो है, ओप्पो का फोन बेचने गए है ओप्पोस। तो चलो आ चुके हमारे लोनली हार्ट। ओप्पो आ चुके भाई, ओप्पो का फोन बिक चुका है तो ओप्पो आ चुके हैं। स्लीप टाइम तो जा भाई, सो जा। कौन देखो जगाया? इंडियन आइकॉनिक वर्सेस ZKS, जीरो किल स्क्वाड, रिया क्रूसिफिक्स, एलिस के प्रो, एलिस प्रो वर्सेस वेल प्रो है हमारे साथ। बाय द वे एसएम लाइव पे है क्या? नहीं, वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है, वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है। आया आया अभी आया। हैप्पी बर्थडे रिया जी। रिया का बर्थडे है क्या? चलो देखते हैं रिया का बर्थडे है क्या। पब्लिक हाँ भाई, MIB का मैच हो गया भाई, अभी थोड़ा टाइम पहले ही हुआ भाई। MIB जो है हार चुके हैं। ऐसा ऐसा ऐसा
को रुको पर्सनल में मैसेज डालता हूँ मैं, MIB हार गया। हाँ भाई पर फिर भी अच्छा खेला MIB ने। सोच लो मेरी स्ट्रीमिंग पे ये सेकंड बर्थडे रहेगा, अगर रिया का रहा तो ये मेरी मेरी स्ट्रीमिंग पे का सेकंड बर्थडे रहेगा। इसके पहले भी जो है ZKS की स्क्वाड का ही एक बर्थडे था मेरी स्ट्रीमिंग पे, जब मैंने स्ट्रीमिंग चालू किया था। चलो मैंने यहाँ पे 20 कह दिया, अभी मेरे को ज़्यादा टाइपिंग करने, बहुत मूड ऑफ लॉल। सो यहाँ पे ZKS की स्क्वाड का सेकंड बर्थडे है मेरे स्ट्रीम पे। तो और यहाँ पे हमारे मोल की तरफ से भी, मोल भी है हमारे जो उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। लेट्स हैव अ फन। सो यहाँ पे क्रूजीफिक्स को बोलते हैं, क्रूजी फिक्स गिफ्ट में क्या देगा? अजी मैंने खुद बोल दिया XD। फिर भी रे भाई बताना तो पड़ता ना रे, तूने खुद बोल दिया तो क्या हुआ? बिजी बहुत बार हो गया मैं, चालू कर दे जल्दी, स्टार्ट कर मैच। चलो भाई एज पर यू गाइस नीडेड आई स्टार्टेड द मैच। SM भैया जो है लाइफ में बैठे हैं, मतलब रेफरी में, और हम यहाँ पे है रेफरी में। कुछ हुआ तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। हाँ भी आगे, और हम भी जो है रेफरी में बैठे हैं, कुछ इशू हुआ तो हम भी सॉल्व करेंगे टीम्स को विन। तो पहले भी क्रूसीफिक्स की तरफ से शायद रिया ने ले ली। एरिया को स्वैप किया है हाँ सिल्वाना। सिल्वाना, शायद सिल्वाना एलिस जाएगी भाई। लोग लोग का एलिस का तो कॉम्बो अच्छा होगा। एंजला डेथ। अबे यार ये लोग जा रहे हैं, ऐसे हमको म्यूट करके आया मैं। प्रोफाइल ओपन डिस्कॉर्ड का है मेरा, रुक जाए तक। रुक जाए एक सेकंड, ये SM हेलो हेलो, क्या नाम है मोल, इसको म्यूट करा भाई, म्यूट कर देना SM को। चल एक नंबर। सोफ्रे या पोपोल, एस्मेरल्डा, चल देखेंगे। फ्रेया पोपोल है, लोनली ने जो है पोपोल लेके गया, और एंजला, वो एंजल ऑफ डेथ ने फ्रेया ली है भाई। जैसे कि अब वो मेरी अभी एक्सपर्ट से बात हो रही थी भाई, दोनों अच्छी टीम है, मतलब दोनों मिठी, हाँ दोनों मिथिकल ग्लोरी की टीम है, और दोनों का जो विन रेट बोलेगा ना भाई, मतलब 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक के जो है ना इन लोग ने ना बहुत अच्छा, मतलब यहाँ मेंटेन करके आए हैं विन रेट अच्छी। बड़ी टीम से भी हुई है मैच, इंडियन आइकॉनिक इंडियन की भी अच्छी, बड़ी टीम से भी कुछ कुछ मैचेस हुई है, इवन ZKS की भी, बड़ी टीम्स को भी हरा के आए हैं दोनों टीम्स ने। चल आजा, चल मैं पहले से छोटी स्क्रीन करके, मैं पहले भागूंगा, मैं पहले भागूंगा भाई। मिड लेन जो है सबसे पहले मैं पहुंच गया मिड लेन, सब में पहले अपन लोग भागने का मिड लेन। शायद जो है क्रूजीफिक्स जैसे कि मैंने सोचा था हाइपर के लिए गया है। फ्रेया के साथ अगर एंजुला कॉम्बो अगर वो दिया होता था ना भाई, और भी ओपी हो गया होता था, मजाक के अलावा बात भाई।
पोपोल की जगह फ्रेया के साथ अगर एंजेला का कॉम्बो होता तो, फ्रेया के साथ या तो अपना इसके साथ क्रूसीफिक्स के साथ अगर एंजेला कॉम्बो आ गया होता था ना भाई, बस खत्म ताफी। तो चलो देखते हैं मैच। अभी जो है ब्लू बफ दोनों टीम ने तो ले ली है, अभी जा रहे हैं रेड बफ के लिए। ये चीज मेरे को अभी तक एक समझ में नहीं आई रहे अपना, ये एस्मेराल्डा है ना सोलो बफ नहीं मार पाई रही, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ी। रिया ने आके हेल्प करी, वापस आया भाई ये वापस आया। मेरे इसमें पोपल थोड़ा सी आड़ा टेढ़ा चल रहे थे, पता नहीं क्यों नाच नाच के चला पोपल, सॉरी कूपा 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 नाच नाच के चला मेरी स्ट्रीमिंग पे। और यहाँ पे फ्रिया ने पकड़ लिया है, शायद शायद यहाँ पे फाइट होने की संभावना, लेकिन नहीं हो पाई भाई। इसको म्यूट कर दे रहे, इसको म्यूट कर दे। और यहाँ पे जो है पकड़ लिया है सिलवाना को, सिलवाना और एस्मेराल्डा को दोनों को पकड़ा जाएगा यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट ब्लड जो है सिलवाना ने ले लिया है फ्रेया का। पोपोल जो है अकेले बचे हुए हैं, पोपोल शायद थोड़ी सी परेशानी में रहे के, लेकिन पोपोल ने जो है फ्लिकर मार के भाग चुके हैं और उनके छोटे से पालतू से कुत्ते को भी बुला लिया है साथ में। तो यहाँ पे इसको जा चुका है 1-0, ZKS ने फर्स्ट किल ले चुके हैं। SM भाई को कास्ट करने का बहुत मूड था, लेकिन उनके थोड़ा सी नेटवर्क इशू की वजह से जो है वो कास्ट नहीं कर पाए। सो फीलिंग सैड फॉर हिम देन टू, लेकिन मजा आ रही है मैच देखने में, इतनी बड़ी मैच। और यहाँ पे ये सेकंड बर्थडे है ZKF की टीम मेट का, जो कि मेरे स्ट्रीमिंग पे हो रहा है। मेरी लास्ट स्ट्रीम पे भी ZKS के कोई तो मेंबर का बर्थडे था शायद, वो याद नहीं है किसका था, लेकिन किसका तो था। और यहाँ पे टटल की तरफ जा चुके हैं एंजल ऑफ डेथ फ्रेया, जो है बोल रहे हैं कि मैं टटल। यो भाई ये किसकी आवाज ऐसा आ रही है, भाई ये किसकी आवाज है, ऐसे हम तेरी आवाज जरा भी क्लियर नहीं है भाई, मजाक के अलावा बात बोल रहा हूँ भाई, जरा भी क्लियर नहीं तेरी आवाज, पूरी लैग हो रही तेरी वॉइस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पो करके आवाज आ रही है सिर्फ, तू तो अभी भी बोल रहा है। तो मेरे में पोपोल का पता नहीं क्या इशू हो रहा है, पोपोल जो है मतलब चल ही नहीं पा रहा है, शायद ग्राफिक इशू होगा। और यहाँ पे पकड़ा गया है हमारे क्रूसीफिक्स को, लेकिन क्रूसीफिक्स जो है एस्मेराल्डा है, नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं आएंगे हाथ में। एंजल ऑफ डेथ ने टटल के साथ तीन तीन बफ लेके घूम रही है पूरे बेस पे, और एंजल ऑफ डेथ को अल्टी पकड़ चुके हैं। क्रूसीफिक्स ने बीच में जंप मारी, एंजल वो अपना लोनली हार्ट जो कि है कैप्टन ऑफ द इंडियन आइकॉनिक, वो मर चुके हैं। अभी एंजल भी गए काम से, लास्ट कपल। नो ब्रो नॉट अ लास्ट कपल्स, वी कैन से वी हैव अ लॉट ऑफ कपल्स। मेरी तो एक्स ने धोखा दे दी मेरे को, नेटवर्क नहीं रे भाई, लेकिन क्यों मैं अपनी एक्स का नाम खराब करूं। और यहाँ पे शायद एक और एक फाइट हो चुकी है, रिया को पकड़ा जाएगा, लेकिन रिया ने जो है अल्टी मार के पोपोल को ही पकड़ लिया। पोपोल को भागना पड़ेगा, पोपोल बेस के अंदर घुसने की क्रूसीफिक्स की तरफ से कोशिश, लेकिन कुछ नहीं होगा। मींस फॉर वन फर्स्ट राउंड भाई, थोड़ा सी ना ये बात तो सही बोला, फर्स्ट राउंड का लास्ट कपल है, देखते हैं लास्ट कपल्स में से कौन जाएगा हमारे अब सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड के लिए भी जो है लास्ट कपल है सेकंड राउंड में जाने के लिए, तो देखते हैं कौन सा कपल ज्यादा इंडियन आइकॉनिक या ZKS। शायद मैंने क्रूसीफिक्स को गिफ्ट के बारे में पूछा था तो, और यहाँ पे अल्ट बहुत अच्छी चलाई थी अपना, और यहाँ पे शायद पोपोल को वापस से अपना खून देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पोपोल ने पकड़ चुका है हमारे क्रूसीफिक्स को।
और क्रूसिफिक्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ स्टिल चल रही, और यहाँ पे डेथ हो चुकी है हमारे फ्रेया की, पोपोल अकेला जिंदा बचे जो कि अभी बेस पे चले जा चुके हैं। क्रूसिफिक्स की तरफ से भी कॉल की, मैं भी रिकॉल लेके आता हूँ। मेरा घर देख के आता, बहुत टाइम हो गया मैंने घर नहीं देखा मेरा। भाई कुछ बोल नहीं सकते भाई, बोल क्यों, क्योंकि ले समझ लेना कि इंडियन आइकॉनिक की तरफ से तीन लोग खेल रहे भाई, पोपोल कुपा और फिर इंडियन आइकॉनिक की तरफ से इन, और फिर फ्रेया, फ्रेया के हाथ में, मतलब लेट गेम में कुछ बोल नहीं सकते भाई, कि अगर लेट गेम हो गया और फ्रेया अगर फार्म हो गई तो फ्रेया जो है इजीली, मतलब है ना, वो इसकी लाइफ स्टील को खा सकती है। लेकिन इन लोग अगर प्रॉपर, अगर मतलब बिल्ड बनाते हैं तो बिल्ड के ऊपर पूरा गेम है, क्योंकि दोनों टीम तो अच्छी ही है। लोग अभी बिल्ड कैसा बनाते हैं, तो छुपके पकड़ सकते ना। देख अभी देख यहाँ पे देख, फिर वो लॉन्ग रेंज जो है अपना एस्मेरल्डा भी नहीं है, ना ही सिलवाना है, समझा, ना ही लॉन्ग रेंज जो है ना ही सिलवाना है, ना ही वो है एस्मेरल्डा, तो उन लोग को तो उससे उससे चिटकना ही पड़ेगा। पीछे से पोपोल जो है समझ लेगी उसको, आगे मतलब वो सपोर्ट देने के लिए पोपोल भी रहेगा उसके साथ साथ में, अपना फ्रेया भी रहेगी, तो मतलब दो लोग आगे लड़ रहे, पीछे से ये डैमेज दे रही है। होल्ड हो जाएगा रे, क्योंकि ओनली मिड लेने ना, तो होल्ड करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन दोनों टीम को जो है थोड़ा सी अपना ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये जिसने किया, अगर फार्मिंग हो गई तो ना मतलब अपना ये जेड के एस आराम से खेल सकती है, उन लोग को भी जो है थोड़ा सी ध्यान से ही खेलना पड़ेगा कितनी भी फार्मिंग हो जाए, क्योंकि लिए दोनों टीम जो है अच्छी टीम है, कोई भी गेम कभी भी पलट सकते हैं, दोनों के पास अच्छा अच्छा खासा गेम सेंस है दोनों टीम्स के। वो चीज़ है, इसीलिए अपने लोग को चेक करना पड़ेगा। वो अभी तक कोई भी कुछ भी बोल नहीं सकते। एक देख जैसे कि अभी यहाँ पे क्रूसिफिक्स ने अल्ट यूज किया, इस पोपोल इज अ गुड पिक, यहाँ ब्रो एस्पर मी पोपोल भी बेटर रहेगी, लेकिन वैसा यूज करना चाहिए भाई पोपोल को, पोपोल को जो है अगर वैसा यूज करा सामने लोनली ने, तो पोपोल इज ऑल्सो अ गुड पिक भाई। तीन तीन बंदे पोपोल के साथ जो है, दो दो बंदे लोग आ जाते हैं भाई, तो कहाँ से। देख अभी देख यहाँ पे पोपोल ने नॉक करी, लेकिन थोड़ा सी देख फिर भी फार्मिंग डिफरेंस के वजह से, लेकिन पोपोल ने अपना इसको खा ली, सिलवाना को नॉक नॉक के ऊपर सिलवाना को खा ली, बहुत ही अच्छा गेम प्ले रहा। और यहाँ पे शायद एस्मेरल्डा को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन एस्मेरल्डा भागने में कामयाब हो जाएंगे, पोपोल ने अपने कुत्ते को वापस बुला चुका है डेली बेसिस पे, मतलब प्रॉपर डैमेज ले रही थी। देख अभी देख यहाँ पे जेड के एस ने किल मारी है, लेकिन उन लोग ने अभी तक एक भी टावर नहीं लिए, लेकिन लोनली वुल्फ ने जो है, इंडियन आइकॉनिक ने वो फर्स्ट किल पे ही जो है अपना टावर ले लिए। अभी 15 मिनट तक के अपन लोग टावर ही देखेंगे ना रे, 15 मिनट होने के बाद जो है अपन लोग किल से सब पे जाएंगे। देख वापस से पकड़े इन लोग को यहाँ पे, देख तीन तीन लोग लड़ रहे हैं इंडियन आइकॉनिक की तरफ से, लेकिन पोपल जो है बैक हो चुके हैं, शायद एंजल ऑफ डेथ ने एस्मेरल्डा का किल ले लिया है, और पीछे से देख डबल किल। देख पोप देख मैं तेरे को बिल्ड के तरफ भी गए तो अपना पोपल ने भी अपना ये बना लिए, क्या बोलते हैं, एंटी रीजन बना ली है, और फिर उसके बाद जो है फ्रेया के पास दो दो मतलब हाई डैमेज आ गया, दो फिजिकल डैमेज जो है हाई डैमेज पे है, और मतलब इन लोग तो ना शायद इन लोग को अभी ये भी चांस नहीं देगी, इतना अंदर घुस गए। अभी जो है इन लोग रेड बफ इन्वेट करके शायद जो है लॉर्ड के ऊपर जाएंगे डायरेक्टली, और गोल्ड डिफरेंस जो था इनडायरेक्ट अभी भी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि लेकिन क्रूसिफिक्स बोलेगा ना भाई, जेड के एस भी ना गेम पलटने के ऊपर विश्वास रखती है भाई, जेड के एस की टीम,
और क्रूजीफिक्स और रिया वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो इन लोग की टीम का। तो अभी भी अपन लोग यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि ना भाई नहीं ये टीम ही जीतेगी। दोनों वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो, दोनों टीम के जो है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो ही खेल रहे हैं। एक्चुअली मैंने उन लोग के ये एंजल ऑफ डेथ को आज तक कभी खेलते हुए नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। लेकिन मैंने क्रूजीफिक्स और रिया को खेलते हुए देखा हूँ, तो मैं उन लोग का कुछ नहीं बोल सकता कि उन लोग कभी। चलो देख, आज पॉड भी हारी ना, देखा तूने? वो जीरो पीस की इसको उसके सामने बहुत मारे सालों ने। देख पकड़ लिए फ्रेया की शील्ड, और यहाँ पे सिल्वाना को अपना खून देना पड़ा, और शायद क्रूजीफिक्स भी जाएंगे। क्रूजीफिक्स ने मार्क करा था पोपल को, पोपल को ले लिया, लेकिन जो है क्रूजीफिक्स को भी अपना मेगा गिल देना पड़ेगा यहाँ पे। फ्रेया की जो शील्ड है देखा था आधे से ज्यादा हो गई थी जैसे उसने अल्टी चलाया था। तो अभी ये लास्ट मैच शायद यहाँ पे समाप्त हो सकता है भाई, क्योंकि ले सिलवाना भी आ रही ना, फ्रेया तो वैसे बचाएगी नहीं। चलो। आइकॉनिक इंडियंस की यहाँ पे हो चुकी है विन। स्टार्टिंग में लग रहा था कि जेड के एस जीत सकते हैं, लेकिन बाद एंड गेम में जो है आइकॉनिक इंडियन ने बोला कि नहीं भाई हम तो नहीं जीतने देंगे। सेम किल्स सेम डेथ। पोपोल ने यहाँ पे बिल्ड की तरफ भी जाए तो गोल डिफरेंस अच्छा खासा बना ली थी हमारी आइकॉनिक इंडियंस की टीम ने। पोपोल रोम बे खेली थी ताकि जो है फ्रिया को अच्छी खासी फार्मिंग मिल सके। दोनों ने जो है अपनी तरफ से एंटी लाइफ स्टील बना ली थी। तो चलो गाइस, मेरी तो दोनों मैचेस खत्म हो गई है। इसको बोलते थे हार्ड लक ब्रू। सो यहाँ पे मेरी दोनों मैचेस खत्म। अभी मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम पे जो कि रहेगी कभी ना कभी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, मतलब सी यू इन नेक्स्ट स्ट्रीम। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम, एक्स वाई जी और जो भी बोलते हो।